दिन में अच्छा काम किया, रात को सोते समय भगवान को धन्यवाद दे दो कि अच्छे काम करवा के तू हमें अपने साथ मिलाना चाहता है। गलती हो गई तो हमारी वासना है, मन की बदमाशी है, मन भी तुझे अर्पण, मैं तेरा हूँ। मन जाए बाहड़ में, मेरे मन को तू संभाल, तू जाने। ओम शांति, ओम प्रभु जी, ओम प्यारे जी। नित्य उत्सव होता है जो तुम्हारा चिंतन करता है, नित्य श्री नित्य विजय। ओम 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 आनंद हरि। फिर उंगली पर 21 बार ओम राम ओम 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 21 बार जप लिया, सीधे लेट गए, श्वास अंदर गया शांति, बाहर आए तो एक, श्वास अंदर गया ओम आनंद हरि भगवान के नाम, बाहर आए तो श्वास गिनते गए। नींद आएगी लेकिन वो नींद आपकी भक्ति में बदल जाएगी। 6 घंटे रोज ये फायदा मिल गया ना, आयुष्य बढ़ गया अपना। 6 घंटे नींद भी हो गई, भक्ति में भी अंदर अचेतन मन में चलेगी। और ये तुम कर सकते हो, बच्चे भी कर सकते हैं, सभी कर सकते हैं। सुबह जब उठे तो ओम शांति ओम आनंद। ये पंच भौतिक शरीर, नींद के समय तो हमने इसको छोड़ दिया, मन को भी छोड़ दिया, बुद्धि को भी छोड़ दिया, अहम को भी छोड़ दिया। अब तो मैं तेरा तू मेरा। ओम 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 आनंद ओम माधुर्य ओम प्रभु जी ओम प्यारे जी ओम 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 हरि ओम 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 आनंद देवा। हरि ओम हरि ओम। ये करने के बाद आप श्वासोश्वास गिने और सो गए तो जो कमरे में भगवान नाम कीर्तन हुआ उसके वाइब्रेशन हवामान में रहेंगे, आप भगवान नाम की हवा से श्वासोश्वास लेंगे। सुबह उठे तो ध्यान थोड़ी देर, आज दुख आए सुख आए मान आए अपमान आए, ये आने वाले हैं, जो आता है वो जाता है, बापूजी भी आते तो जाते, कृष्ण भी आते तो जाते, तो ये क्या रहेंगे कंजर। दुख की क्या ताकत है सदा रहे, सुख की भी ताकत नहीं सदा रहे। सुख का सदुपयोग, दुख का सदुपयोग, सत स्वरूप ईश्वर मेरे में ईश्वर का ओम आनंद। हे प्रभु आनंद दाता ज्ञान हमको दीजिए, ये तो तुमको पता है सब। बस शीघ्र सारे दुर्गुणों से दूर हमको कीजिए, ये पता है, थोड़ा विचार कर लिया सा। फिर कसरत करनी है, बिस्तर से नीचे उतर के कसरत करना है। कैसे करते हैं, हाथ ऐसे करके दाही और झुको, बाही और दाहें बाहें, एक पैर पीछे कर दो थोड़ा, अब पीछे झुको झुको झुको, गिरना नहीं झुको, अब आगे झुको झुको, घुटनों के अंदर हाथ डालो, गर्दन घुटनों के अंदर, दाहें बाएं दाएं बाएं। अब गर्दन को पीछे झुकाना है ऐसे, कुछ लोग ऐसा करते नहीं, ऐसे गर्दन को झुकाना है। तो यहाँ चोटी के पास बुद्धि का नाड़ी जाल है, बुद्धि का कार्यालय है, तो श्वास भर के ओम, दोनों हाथ की मुट्ठी बंद और दोनों हाथ सीधे, हाथ खोल दो, ऐसे मैं करता हूं देखो, ओम एक ओम दो, श्वास भरा तो ओम, छोड़ा तो गिनती, गर्दन पीछे दबाओ, ऐसे रोज 25 करना है, आज 15 ही कर दो, बहुत देर हो गई है, रोज 25 करना, आज 12 15 20 कर लो। अब गर्दन आगे झुकाओ, लंबा श्वास लो और छोड़ो, रोज 25 बार करना, अभी 15-20 कर लो। आप घुटनों के बल बैठोगे वज्रासन में, घुटनों के बल बैठो वज्रासन में, ये देखो बैठे, पंजों को तिरछा कर दोगे, पंजों पे बैठोगे तो ऐसा होगा, तिरछा करोगे तो ऐसे हो जाओगे। ललाट पर उंगली रगड़ो, हरि ओम शांति हरि ओम शांति, हरि ओम गुरु हरि ओम गुरु।
दोनों हाथ की उंगलियां मिला दो, जहां पहले तो ललाट पर, जहां तिलक करते वहां उंगली स्पर्श करो, रोज करना। हमारे जीवन में हरि और भगवान गुरु का ज्ञान आएगा, हम शांति और आनंद में रहेंगे। हरि ओम शांति। दोनों हाथ की उंगलियां मिला दो, दोनों हाथ धरती पे, सिर धरती पे, मत्था टेक कार्यक्रम में 2 मिनट रोज पड़े रहना है, बच्चों को 3 मिनट। इससे बुद्धि अच्छे निर्णय करेगी। जरा जरा बात में चिढ़ने वाले बच्चों के लिए ये 3 मिनट आसन वरदान है। बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड ये तबाही की विदेशी गंदी आदतें बच्चों में न पड़े, ऐसे बुद्धिमान हो जाएंगे। मत्था टेक कार्यक्रम में पड़े रहना है 3 मिनट, बड़े लोग 2 मिनट। सिर ऊपर उठा लो, दोनों हाथ घुटनों पे रखो। अब मैं करता हूं ऐसा करोगे, अभी मैंने थोड़ी देर करवाया, घर में अच्छी तरह से करना। दोनों हाथ घुटने पे रखे और श्वास बाहर फेंक दिया नाक से, और फिर बाहर रोक के रखना है 50 सेकंड। श्वास बाहर रोक दो, शौच जाने की जगह को, योनि को सकोड़ लिया ऊपर, इसको मूल बंद बोलते हैं। पेट को अंदर खींच लिया, उड़ियान बंद बोलते हैं। ठोड़ी को छाती के तरफ दबोचते हैं, जालंधर बंद। ये त्रिबंध प्राणायाम सामान्य प्राणायाम से 100 गुनी शुद्धि और खोई सोई हुई शक्तियों को जगाने में काम करेंगे। 50 सेकंड श्वास रुका रहे बाहर, मन में रम रम जपते जाओ और नाभि को पेट के तरफ अंदर पीठ के तरफ खींचते जाओ। 45 सेकंड होने को है, 50 सेकंड बलपूर्वक, 55 सेकंड, 50 सेकंड शुद्धि हो जाएगी, कई रोग भगा दोगे। ले लो श्वास, फिर से श्वास बाहर फेंको, बाहर रोक दो श्वास। योनि को सकोड़ लिया मूल बंद, पेट को अंदर खींच लिया उड़ियान बंद, ठोड़ी को कंठ के तरफ दबोच दिया जालंधर बंद। मन में रम रम रटते गए, पेट की खराबियां और नस नाड़ियों में जो छुपे हुए रोग के कण हैं वो खींच कर जठरा में आएंगे, जल्दी बीमार नहीं पड़ोगे। और बीमार व्यक्ति को भी ये सिखाओ तो 60% बीमारियां तो उसकी ऐसे ही चली जाएगी थल बस्ती और इस प्रयोग से। बाकी तो थोड़ी औषधि अथवा थोड़ा उपचार किया, हो गया काम। मन में रम रम जपते गए और जट पेट को नाभि को पीठ के तरफ खींचते गए, हो गए 50 सेकंड। ले लो श्वास, तीसरी बार श्वास बाहर पूरा खाली करो, श्वास बाहर निकालो निकालो। योनि सकोड़ ली, पेट अंदर कर लिया, थोड़ी को कंठ के तरफ दबोच दिया, नाभि पीठ के तरफ खींचते गए, रम 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 20 सेकंड हो गए, 50 सेकंड तक बलपूर्वक रोकना है। अगर 55 सेकंड रुको तो और अच्छा। 35 सेकंड होने को है, मन में राम नहीं रम, रबड़ी का र ऊपर बिंदी, रम ये अग्नि देवता का मंत्र है, जठराग्नि प्रदीप होगी, रोगों को और पापों को नाश करने की शक्ति जागृत रहेगी। हो रहे हैं 50 सेकंड, ले लो श्वास। चौथी बार श्वास बाहर फेंको, वही योनि सकोड़ ली मूल बंद, पेट अंदर कर दिया उड़ियान बंद, दाढ़ी को कंठ के तरफ दबोच दिया जालंधर बंद। ये त्रिबंध है, श्वास रोक के रखो और नाभि को पीठ के तरफ खींचते जाओ, रम रम रम। एक बार में 20 वक्त नाभि पीठ खींच गई, आप लंबी उम्र और पवित्र आत्मा बनने में सफल हो जाओगे। 35 सेकंड तो हो ही रहे, बस 15 सेकंड दम मार के रोक के रखो श्वास को। अब केवल 8 सेकंड, 7 6 5, ले लो श्वास।
ये तुम सभी कर सकते हो बेटे, रोज करना, लंबी उम्र, अच्छी सूझबूझ, श्वास बाहर फेंको, वही योनि सुकोड़ ली, पेट अंदर कर दिया, दाढ़ी को कंठ के तरफ दबोच दिया, मन में रम राम नहीं रम 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 रम, ये अग्नि देवता का बीज मंत्र है, अग्निदेव तुम्हारी सहायता में रहेंगे। देखो हेलीकॉप्टर गिरा, आग की चिंगारियां निकली, पेट्रोल निकला, आग नहीं लगी, अग्नि देवता ने भी सहयोग किया, हेलीकॉप्टर चूर चूर हुआ, और आग लगती तो फिर तबाह हो जाती। तो अग्नि देवता का मंत्र है, जठराग्नि प्रदीप रहेगी, ये अग्नि वायु जल तेज इनमें भी परमात्मा देव की सत्ता है, ये भी हमको जानते पहचानते हैं। बदमाशी करते तो हमको सहाय नहीं करते, उनको प्रेम से वंदन करते तो बड़ी सहायता होती। ले लो श्वास, पलथी मार के बैठ जाओ। अब क्या करना है, कमर सीधी, गर्दन सीधी, जो 45 साल से कम उम्र के हैं वे पहली उंगली तर्जनी अंगूठे के साथ मिलाएंगे और दोनों हाथ घुटनों पे रखेंगे, जीभ तालू में रखेंगे, श्वास अंदर जाए ओम, बाहर आए तो एक, श्वास अंदर गया तो ओम, बाहर आए तो गिनती। जिनकी उम्र 45 साल से ज्यादा है वे हाथ की उंगलियां आमने सामने मिला के हाथ गोद में रखेंगे और जीभ की नोक दांतों के मूल में ऊपर अथवा नीचे, बुढ़ापे की कमजोरी जल्दी नहीं आएगी। और श्वास गया तो भगवान नाम और बाहर आया तो गिनती। ये बहुत ऊंची साधना है, इसको कहते हैं माला श्वासोश्वास की, जगत भगत के बीच जो फेरे सो गुरुमुखी ना फेरे सो नीच, जो नीच कर्मों में है नीच वास्ताओं में है वो ऐसी ऊंची साधना नहीं कर सकते। अगर वे लोग भी ऐसी ऊंची साधना करें तो फिर उनके नीचे संस्कार जल्दी धुल जाएंगे। इसको ईश्वर से मिलाने वाली और जल्दी मन को शांत करने वाली साधना कहा गया। 50 की गिनती खबरदारी से करो, अगर गलती हो जाए तो फिर से करो, तो तुम्हारा मन तुम्हारे कंट्रोल में आने को होगा, मन नियंत्रित करने में तुम सफल हो जाओगे। जितना मन नियंत्रित उतना आप भगवान से, समाज से, सत्कार्यों से संपन्न हो जाओगे। प्रयोग तो साधारण है लेकिन फायदे असाधारण।